Hi everyone, a very good evening. Hope so you all are fine and welcome back again to our webinar. SHPL webinar में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. मैं अनुषा सेन एंड आज का ये वेबिनार में जितने भी लोग फर्स्ट टाइम के लिए ज्वाइन किए हैं एंड मैं उनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू अवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स. एंड जैसे कि मैंने कहा कि आई होप कि यू ऑल आर वेरी फाइन एंड ये होप बहुत ही कॉमन एक होप है क्योंकि हम लोग वी ऑल आर बिलोंग फ्रॉम वेलनेस इंडस्ट्री एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं सबका फाइन रहना, सही रहना, वेल रहना इज वेरी मैंडेटरी एंड उसके साथ ब्यूटीफुल रहना भी मैंडेटरी है. सो आज का वेबिनार का टॉपिक रहेगा ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर. अगर कोई भी सवाल ये वेबिनार की दौरान, वेबिनार जब चलेगा, अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं, कोई भी सवाल अगर आपके माइंड में आते हैं तो आप वो जरूर रख लीजिएगा एंड वो वेबिनार के एंड में आप वो सवाल कर सकते हैं एंड आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चन. तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में रिगार्डिंग टूडेज वेबिनार, आप एंड में कर सकते हैं एंड आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चन. सो जैसे कि पिछले वेबिनार कितने लोग ज्वाइन किए थे, पिछले वेबिनार मेरा पिछले जो लास्ट वेबिनार था वेडनेसडे का, तो वहां पे कितने लोग प्रेजेंट थे, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स. कि लास्ट वेडनेसडे का जो वेबिनार हुआ था वहां पे कितने लोग प्रेजेंट थे, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स. एनीवन कैन रेज योर हैंड्स इफ यू वेर प्रेजेंट ऑन प्रीवियस वेबिनार ऑफ वेडनेसडे. हाँ, अभी रेज हैंड्स हो रहा है. आप कमेंट भी कर सकते हैं, मी बोल के आप कमेंट भी कर सकते हैं. यानी कि थर्ड जो जनवरी था वहां पे वो वेबिनार में जितने लोग प्रेजेंट थे, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और यू कैन डू कमेंट्स ऑल्सो सो दैट आई कैन नो, आई कैन रिलेट. और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं बताऊंगी वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो पिछले वेबिनार ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं. ओके, सो कमेंट्स भी आ रहा है एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है. सो या मेनी ऑफ देम वेर प्रेजेंट एंड बहुत नए लोग भी है. इट सीम्स लाइक दैट कि न्यू मेंबर्स, न्यू कमर्स आर ऑल्सो देयर. लेकिन उसके साथ जो ऑलरेडी प्रीवियस वीक का यानी कि 3 जनवरी का वेबिनार ऑलरेडी देख चुके थे या फिर प्रेजेंट थे या फिर आप यूट्यूब में बाद में देखे हैं, देन वन थिंग यू कैन रिलेट. मैंने पिछले वेबिनार में बताया था कि विंटर केयर के लिए, स्किन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, स्किन को कैसे ध्यान रखना चाहिए ये सर्दियों की मौसम में, राइट. एंड मैंने ये भी कहा था कि आपका हेयर का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है विंटर के टाइम. अगर हेयर रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं विंटर के टाइम में, अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेना है तो आपको नेक्स्ट वेबिनार में जरूर रहना चाहिए, जरूर आपको देखना चाहिए. एंड सो दैट आई आस्क्ड यू ऑल दैट क्वेश्चन एंड जो लोग पिछले वेबिनार यानी कि लास्ट वेबिनार वेडनेसडे का नहीं देखे हैं तो इट विल बी अ रिक्वेस्ट, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल. क्योंकि ये विंटर के टाइम में अगर आप वो वेबिनार देखेंगे एंड वो वेबिनार का जो भी प्रोडक्ट्स है, अगर वो बेसिक नॉलेज एंड वो प्रोडक्ट्स अगर आप खुद इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, देन वो आपके लिए, आपके सराउंडिंग्स के लिए एंड डेफिनेटली फॉर योर स्किन वो बहुत बेहतरीन होगा. तो अगर कोई भी लोग मिस कर चुके हैं वेबिनार कोई भी कारण के लिए, तो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं, वो वेबिनार ऑलरेडी डाला हुआ है. वो स्किन रिगार्डिंग था कि ये विंटर की मौसम में स्किन में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं एंड द वर्स्ट सिचुएशंस वी फेस इन दिस विंटर टाइम एंड इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग था आवर प्रीवियस वेबिनार. लेकिन आज का जो वेबिनार है ये रहेगा आपका हेयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के लिए. यानी कि विंटर के टाइम ये एक ऐसा मौसम है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत पिछले वेबिनार्स में भी मैंने बहुत बार रिपीट किया था कि ये एक ऐसा सीजन है, ये एक ऐसा मौसम है कि जो एटलीस्ट 80 to 85% लोगों को पसंद है.
लेकिन ये पसंदीदार सीजन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग के स्किन में, हम लोग के हेयर में, राइट? एंड स्किन के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आई होप कि दैट्स ऑल हेल्पिंग यू आउट. क्या वो वेबिनार आप लोगों को हेल्प कर रहा है? आई नीड अ फीडबैक कि जो विंटर्स का प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्या आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप वो शेयर कर रहे हैं, क्या वो हेल्प कर रहे हैं आपके लिए? एनी कमेंट्स कि जितने भी विंटर प्रोडक्ट्स हैं SHPL का, स्किन केयर, बॉडी केयर, क्या वो आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, क्या उससे आपको हेल्प हो रहा है विंटर को अच्छे से बिताने में? इज इट ट्रू, क्या वो आपको हेल्प कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स? यस यस और नो, जस्ट एक ही वर्ड में आंसर देना है. इज इट हेल्पिंग यू टू कवर द विंटर, यस और नो? क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है, मतलब कितने लोग, इससे पता चलेगा कि कितने लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सो आई कैन गेट दैट कि कितने लोग यूज किए हैं प्रोडक्ट्स को, ये आंसर से पता चलेगा. या सो आई हैव फ्यू कमेंट्स टिल नाउ एंड द आंसर आर ऑल सेम, ऑल द आंसर इज यस. सो एंड देखिए अभी बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, यस 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 यस, ओके. सो थैंक यू एवरी वन फॉर कमेंटिंग एंड आपका जो फीडबैक है वो हम लोगों तक पहुंचाने के लिए. अगर किसी भी लोग मिस आउट कर चुके हैं तो आप जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं. जो टॉपिक में मैं थी, आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली आपके विंटर के टाइम हेयर रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि ये विंटर के मौसम में हेयर रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं उससे कैसे हम लोग डील करें, उससे कैसे हम लोग बाहर आए. एज आई सेड कि विंटर के टाइम में स्किन के साथ साथ हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हेयर्स में भी फेस करते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन. एंड आप लोग भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, सभी लोग, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, इवन इन टीनेज ऑल्सो. तो ये प्रॉब्लम कोई एज स्पेसिफाइड नहीं है, ये प्रॉब्लम कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट अवर वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, राइट? सो ये सब लोग फेस करते हैं. एंड जैसे कि मैंने पिछले वेबिनार्स में बहुत सारे जगह का टेम्परेचर भी मैंने यहाँ पे कमेंट करने के लिए बताए थे, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि 9 डिग्री, 7 डिग्री इवन. सो बहुत जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे वेदर इज वेरी कूल, वेरी चील वेदर, तो वो सारी जगह में प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ते हैं. स्किन रिगार्डिंग प्रॉब्लम और भी ज्यादा होता है, हेयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम और भी ज्यादा होता है. सो स्किन का सोल्यूशंस तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है एंड बॉडी का भी सेम एज आपको मिल चुका है, लेकिन हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं विंटर के साथ साथ, आज उसी के ऊपर बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर वेबिनार एंड आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रहा है, एवरीवन कैन, आई डोंट थिंक सो उसकी स्क्रीन शेयर हो रहा है. ओके, आई विल स्टार्ट दैट वंस अगेन. आई होप अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है एंड सभी को स्क्रीन दिख भी रहा है, एम आई राइट? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स एंड लेट अस नो कि स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, एंड एम आई ऑडिबल? यस, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन. जैसे कि अगर किसी ने टॉपिक आज का देखे होंगे, अगर कोई भी पोस्ट देखे होंगे तो पता है उनको कि आज का टॉपिक क्या है, दैट कीप योर हेयर हैप्पी ऑल थ्रू विंटर. क्योंकि विंटर के टाइम में जितनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को आता है रिगार्डिंग स्किन, रिगार्डिंग अवर बॉडी, एंड उसके साथ जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है हेयर. हेयर में भी बहुत ज्यादा तकलीफें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं विंटर के टाइम, राइट? एंड अगर मैं यहाँ पे किसी भी लोग को पूछूं या फिर कोई भी व्यक्ति को पूछूं कि ये विंटर के टाइम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आता है, देन डेफिनेटली ही और शी गोना से कि स्किन ड्राई बन जाते हैं, हेयर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, स्किन ड्राई बन जाते हैं, दिस ऑल आर वेरी कॉमन. लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि हेयर में ये विंटर के टाइम क्या क्या ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो आते हैं, एंड उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम लोग के पास उसका सोल्यूशन है क्या नहीं.
सो लेट्स हैव अ लुक कि हम लोग सोल्यूशन दे पाते हैं या नहीं. सो जैसे कि मैंने कहा, विंटर इज अ वेरी गुड सीजन टू एंजॉय, टू सेलिब्रेट, टू हैव अ ब्लास्ट. जैसे कि अभी न्यू ईयर चल रहा है एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग एवरी सिंगल डे ऑफ आवर न्यू ईयर, राइट? एंड ये ईयर बहुत ही खास है एंड सबके लिए. ये ईयर का शुरुआत जो सीजन है यानी कि विंटर, ये सीजन में भी खुद को बहुत अच्छे से रखना चाहिए. उसके लिए जो जो प्रोडक्ट्स हम लोग को चाहिए, वो प्रोडक्ट जरूर हम लोग को आजमाना चाहिए. चलिए देखते हैं कि विंटर के टाइम में क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे क्या मैटर्स आ जाते हैं कि जिससे हेयर प्रॉब्लम्स होता है. विंटर के टाइम में इतना ज्यादा हेयर प्रॉब्लम्स क्यों होता है? एंड बहुत सारे कॉमन सवाल भी हैं, आप लोगों से आए हैं बहुत सारे कॉमन सवाल जो मैं एंड में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ, वो भी मैं शेयर करूंगी आपसे आगे जाके. सो व्हाट कॉजेज विंटर हेयर प्रॉब्लम? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगर ये क्वेश्चन का कोई भी आंसर किया जाए तो वो सबको पता है कि विंटर के टाइम हम लोगों का हेयर बहुत ड्राई बन जाते हैं, स्प्लिट इंड्स ज्यादा आ जाते हैं एंड बहुत स्टैटिक बन जाते हैं, फ्रीज बन जाते हैं, रफ बन जाते हैं. एंड उसके साथ ये जो कोल्ड वेदर है, ये कहीं ना कहीं हेयर का मॉइस्चर को, नेचुरल हेयर्स को खुद में कैप्चर कर लेते हैं. ये वेदर इतना खराब टाइप हेयर हम लोगों के हेयर के लिए या स्किन के लिए प्रोवाइड करते हैं कि जहां से हम लोग का नेचुरल एयर और नेचुरल मॉइस्चर ये ले सकते हैं ये वेदर, तो इसीलिए ये इतनी सारी दिक्कतें आते हैं. एंड हम लोग का जो नेचुरल हेयर में जो ऑयल्स रहते हैं, जो मॉइस्चर होता है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है. एंड हेयर फॉलिंग इज बेसिकली अ वेरी कॉमन इशू, लेकिन विंटर के टाइम में वो और भी ज्यादा बन जाता है, वो हेयर प्रॉब्लम और भी ज्यादा जैसे बढ़ते हैं, सेम एज हेयर फॉलिंग भी ज्यादा हो जाता है. एंड वी ऑल गेट वेरी टेंस्ड ऑन दिस टॉपिक. यहाँ पे ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं ये पूरे दावे के साथ बता सकती हूँ कि जो बताएंगे कि मेरा हेयर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता. उनका हेयर प्रॉब्लम जरूर है, उनका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, या फिर उनका हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है, या फिर उनका ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है. सो लेट्स सी आगे देखते हैं आगे जाके हम लोग क्या एक सल्यूशन, सही सल्यूशंस हम लोग ले पाते हैं या नहीं, या दिखा पाते हैं या नहीं. जैसे कि मैंने कहा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स विंटर के साथ साथ हेयर में आते हैं. नॉट ओनली इन विंटर, बहुत सारे सीजन्स ऐसे होते हैं जो हेयर के लिए बहुत खराब होते हैं, जैसे कि मॉनसून. समर उतना भी खराब हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन मानसून इज वेरी बैड फॉर आवर हेयर, वी ऑल नो. जहाँ पे बारिशों का मौसम में हेयर के लिए बहुत ही वो एक प्रॉब्लमेटिक सीजन है, सेम एज विंटर ऑल्सो. एंड यहाँ पे हम लोग का हेयर का ब्रेकेज, हेयर फॉल, ये स्कैल्प बहुत ड्राई बन जाना, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं. एंड ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से विंटर हेयर के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है. सो विंटर सीजन इटसेल्फ अ प्रॉब्लम फॉर आवर हेयर, जैसे कि स्किन के लिए वो प्रॉब्लम था. मैं था ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने प्रॉब्लम आई थिंक कि मैंने सॉल्व कर चुकी हूँ, तो इसीलिए जो हेयर स्किन रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम था वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है. लेकिन जो ये विंटर हेयर के लिए भी प्रॉब्लम है, तो क्या हम ये प्रॉब्लम को हटा पाएंगे? क्या हम लोग ये विंटर को इंजॉय कर पाएंगे या नहीं? आगे जाके देखते हैं हम लोग. व्हाट कॉजेज एंड कैसे होता है, ये सारी कॉमन चीज है एंड ये सारे आप लोगों को भी पता है, अलग से बताना नहीं है. लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स मैं जरूर बताना चाहूंगी कि क्या टाइप्स का प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो हर जगह अराइज होते हैं, हर किसी को ये फेस करना पड़ता है. सम कॉमन टाइप्स ऑफ विंटर हेयर प्रॉब्लम अगर पहले ही आए, दैट विल बी स्टैटिक एंड फ्रीजी हेयर, यानी कि हम लोग का जो मॉइस्चर होता है हेयर का, वो टोटली ड्रॉप हो जाते हैं, टोटली कम हो जाते हैं, एंड जिसके दौरान हम लोग का हेयर ब्रिटल और ड्राई बन जाता है. एंड आवर हेयर जो हेयर का जो टेक्सचर है, हेयर का जो कटिकल है, वो बहुत ड्राई बन जाता है. एंड अगर और भी डिटेल्ड में बताएं, जिनका बहुत कर्ली हेयर है,
उनको तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वो लोग फेस करते हैं। विंटर जब भी आते हैं हेयर नॉर्मली ड्राई बन जाते हैं, लेकिन जिनका कर्ली हेयर है उनका प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड बहुत आसानी से कहीं ना कहीं हेयर में टैंगल्स आ जाते हैं, जड़ आ जाते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम के कारण हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एंड कुछ भी प्रोडक्ट्स हम लोग अप्लाई कर ले, लेकिन ये स्मूथ हेयर नहीं रहते हैं विंटर के टाइम। सो दिस इज अ मेन फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो हर जगह सब कोई देखते हैं। एंड सबके साथ ये फेस, सब कोई ये फेस भी करते हैं। सो ये हम लोग का हेयर बहुत फ्रीजी बन जाते हैं, स्टैटिक बन जाते हैं। सो एक शब्द में अगर बताया जाए तो ये बहुत ही रफ, ड्राई, ब्रिटल हो जाते हैं हेयर। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं कि हेयर सही रहे, हेयर का जो भी मॉइस्चर है वो रिटेन रहे, हेयर का जो भी नेचुरल ऑयल है वो प्रिवेंट रहे। इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वी डोंट गेट एनी रिजल्ट्स। सो ये प्रॉब्लम है। हम लोग प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ दिस सीजन, एंड ऑफ दिस मंथ हम लोगों का हेयर जैसे कि तैसे ही रह जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम है। एंड स्पेशली फॉर कर्ली हेयर्स, जिनका स्ट्रेट हेयर है या सिल्की हेयर है, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ा भी मैनेजेबल हो जाते हैं, लेकिन जिनका कर्ली हेयर है उनको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं, राइट? एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे और एक प्रॉब्लम के साथ, कॉमन प्रॉब्लम के साथ, दैट इज स्प्लिट एंड्स। विंटर के टाइम मतलब इतना बढ़ जाता है, मतलब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं रहता है, इतना बढ़ जाता है स्प्लिट एंड्स। मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो थ्रू आउट हम लोग के साथ रहते हैं, लेकिन जब विंटर आ जाता है तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी कि दू मुहा बाल, जो हम लोग की जो एंड लेंथ का जो हेयर्स है उसमें दू मुहा बाल दिखता है, यानी कि स्प्लिट एंड्स हम लोग जो बोलते हैं, राइट? एंड ये भी स्पेशली अगर ये होने का अगर कारण बताएंगे, देन देयर विल बी अ वेरी कंट्रोवर्सी कि ये इसके लिए होता है, वो उसके लिए होता है। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मली एंड एक बहुत ही इजी वे से अगर बताऊं, तो ये लैक ऑफ मॉइस्चर है, लैक ऑफ केयर है, लैक ऑफ रूटीन है, तो इसके लिए ये स्प्लिट एंड्स होते हैं। लेकिन ये तो हर टाइम रहते हैं हम लोग के हेयर में, लेकिन ये विंटर के टाइम ये और भी ज्यादा दिखता है। हम लोग अगर हेयर को खुले भी रखेंगे तो भी प्रॉब्लम, हम लोग बांधे हुए भी रखेंगे तो भी प्रॉब्लम। एंड स्पेशली फॉर वीमेन, दिस प्रॉब्लम इज स्पेशली फॉर वीमेन, एंड इसको झेलना एंड इसको टॉलरेट करना, इसको मेंटेन करना इज आउट ऑफ कंट्रोल। एवरी वेमन जो आज ये जूम देख रहे हैं सब ये पॉइंट में सहमत होंगे कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हट ही नहीं रहा है, एंड ऊपर से ये विंटर के टाइम में इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दे रहा है कि हम लोग ये हेयर को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। ऑल विल बी रिलेटेबल विथ मी, सब ये पॉइंट के साथ सहमत होंगे। एंड स्पेशली विंटर में क्यों ज्यादा बढ़ता है, वो डेफिनेटली क्लाइमेट इज वन ऑफ द मेन रीजन। जैसे कि मैंने कहा कि ये कूल हेयर हम लोग के स्किन के लिए या हेयर के लिए अच्छा नहीं है। माना कि हाले हम लोगों को अच्छा लगता है ये कोल्ड वेदर, ये विंटर की मौसम, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्किन, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेयर। सो इसके लिए प्रोटेक्शन, इसके लिए प्रॉपर केयर, प्रिवेंशन हम लोग को जरूर लेना चाहिए। एंड ये स्प्लिट एंड्स इतना बढ़ जाता है जहां से ब्रेकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड अगर ये टॉपिक के साथ और एक सल्यूशन पे आएंगे तो ये एक कॉमन कहावत है कि स्प्लिट एंड्स अगर बाल कट देंगे तो स्प्लिट एंड्स चला जाएगा, राइट? एंड वी ऑल डू ऑल्सो, सम ऑफ अस डू ऑल्सो, सम ऑफ अस फॉलो दैट पॉइंट ऑल्सो। लेकिन कटिंग ऑफ योर हेयर और चॉपिंग ऑफ योर हेयर, आई कैन से इट्स नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये आपका फाइनल सोल्यूशन नहीं हो सकता है। डेफिनेटली आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, कुछ टाइमों के लिए सोल्यूशन मिल सकता है, कुछ समय के लिए आपको मतलब ये रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारी
चीजें हैं जिसके दौरान हम लोग ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ये इशू को फिक्स कर सकते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ता है विंटर में। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो और एक मेन प्रॉब्लम जो कि बहुत कॉमन है फॉर मेन एंड वीमेन बोथ, इची स्कैल्प इन विंटर। स्कैल्प इतना इची हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट इट कॉजेज डैंड्रफ एंड लीड्स टू फ्लेकी एंड इची स्कैल्प। इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, इतना आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है विंटर के टाइम, डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड जिसके दौरान आपका स्कैल्प बहुत फ्लेकी एंड इची बन जाता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम आई कैन से, कि जो लोग फेस करते, सभी लोग लगभग 90 to 95% पीपल अराउंड अस फेस दिस प्रॉब्लम। एंड डैंड्रफ 100% ये विंटर के टाइम ज्यादा बढ़े, ये 100% कंफर्म है। एंड आपका स्कैल्प बहुत ड्राई बन जाता है, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं विंटर के टाइम। सो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एंड ये सारे प्रॉब्लम्स को ही हम लोग को डील करना है। एंड ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग खत्म कर सकते हैं ये विंटर के टाइम, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, देन वी कैन एंजॉय आवर विंटर ऑल्सो। अगर इसी पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर इसी के साथ अगर आगे बढ़ना है, देन डेफिनेटली सोल्यूशन तो लास्ट में हम लोग जरूर लाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगी विथ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली, जिसके दौरान आप ये विंटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने सारे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग विंटर में फेस करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी विथ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली। अगर ये सारी प्रोडक्ट्स एंड ये सारी जो भी मैं अभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, अगर ये कंटिन्यू करते हैं, अगर ये आप लोगों के लाइफस्टाइल में, आप लोगों के रूटीन में अगर आप लाते हैं, देन डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, जो तीन मेन प्रॉब्लम्स मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि विंटर के टाइम जो सबसे ज्यादा बढ़ता है, ये कंट्रोल हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि ऐसा क्या है जिसके दौरान हम लोग का ये प्रॉब्लम सारे दूर हो सकते हैं। सो चलिए, जो पहला चीज है दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग का जो शैम्पू है उसमें बहुत रफ या बहुत हेवी शैम्पूज यूज नहीं करना चाहिए ये विंटर के टाइम, स्पेशली बहुत रफ या बहुत फ्रीजी शैम्पूज यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि शैम्पू डेफिनेटली हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम लोग की हेयर को क्लीन करने के लिए, हम लोग की स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, हम लोग का स्कैल्प में जो भी डर्ट्स रहते हैं, जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उसको रिमूव करके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए हम लोग एक शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं। एज आई सेड मेनी टाइम्स कि फेस वॉश हम लोग जैसे स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेम एज हम लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं हेयर के लिए, टू क्लीन आवर स्कैल्प राइट एंड अलॉन्ग विथ आवर हेयर कटिकल। तो अभी जैसे कि शैम्पू का बात जब भी आ जाते हैं, बेसिकली हम लोग वो उतना हेवी शैम्पू, उतना रफ शैम्पू विंटर के टाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे। विंटर के टाइम थोड़ा मिनिमल प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसमें मॉइस्चर बेस ज्यादा होगा वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम लोगों का जो भी मॉइस्चर रिटेन का प्रॉब्लम है, जो भी नेचुरल ऑयल जो मतलब हेयर के लिए जरूरत होता है जो मिल नहीं रहा है वो कहीं ना कहीं आसानी से आ सकता है। सो ये शैम्पू यूज करने के टाइम भी बहुत ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि कौन सा शैम्पू हम लोग चूज कर रहे हैं, कौन सा शैम्पू हम लोग खुद के लिए ले रहे हैं, और ये विंटर के मौसम को दिमाग में रख के हम लोग कौन सा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। सो दिस विल बी अ पॉइंट एंड अ फर्स्ट पॉइंट जो सबको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि और एक चीज मैं ये शैम्पू के साथ मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, किसी किसी का आदत होता है कि हर रोज शैम्पू करना, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। और किसी किसी का आदत होता है कि महीने में 2-3 बार शैम्पू करना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड।
एवरीडे शैम्पू करना भी सही नहीं है, रेयरली शैम्पू करना भी सही नहीं है। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। आपको वीकली ट्वाइस और थ्राइस आई कैन से आप शैम्पू कर सकते हैं। अगर ये सर्दियों का मौसम बोलेंगे तो उसके लिए यू कैन डू कि आप वंस और ट्वाइस अ वीक आप शैम्पू कर सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 दिन, ये विंटर के लिए। रेगुलर आपको शैम्पू करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई लोग बोलेंगे कि रेगुलर शैम्पू बिना करके हम रह नहीं पाते हैं, इफ यू से दैट, देन आपके लिए मैं एक सोल्यूशन दे सकती हूँ। आप ऑल्टरनेटिव डेज में आप शैम्पू कीजिए, रेगुलर बिल्कुल मत कीजिए। इट विल जस्ट डैमेज योर हेयर, उससे आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर हेयर, इफ यू वॉन्ट टू गिव योर हेयर द नरिशमेंट, आप अगर आपके हेयर को हेल्दी रखना चाहते हैं, देन यू हैव टू फॉलो दिस। कोई भी चीज ज्यादा भी अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज बहुत कम भी अच्छा नहीं होता है, राइट? सो जस्ट वी हैव टू मेक अ बैलेंस, एज वी ऑल डू, हम लोग लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, राइट? सो सेम एज हम लोग का लाइफ रिगार्डिंग जितने सारे प्रोडक्ट्स या फिर जितने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग के बॉडी के लिए, उसको भी बैलेंस करना चाहिए। एंड ऑन दैट केस कोई भी ड्राई शैम्पू हम लोग ये विंटर में जरूर थोड़ा स्किप कर सकते हैं, इससे हम लोग का हेयर अच्छा रहेगा। सो ऑन दैट केस शैम्पू के लिए क्या चॉइस रहेगी? तो आई विल रिकमेंड आवर फर्स्ट चॉइस, दैट विल बी सर्वश्री शैम्पू, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर का लेवल बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ है। तो आप ये सर्वश्री शैम्पू यूज कर सकते हैं, इससे आपका मॉइस्चर बेस अच्छा रहेगा, आपका स्कैल्प उतना ड्राई नहीं होगा, आपका हेयर उतना ड्राई नहीं होगा। नेक्स्ट दैट विल बी ग्रीन एप्पल शैम्पू, ये भी आपको, इसमें एप्पल सीडर विनेगर है जो आपके हेयर को एक बैलेंस मेंटेन करके आपके हेयर को एक स्मूथ एंड नरिश्ड लुक दे सकते हैं। उसके साथ आमंड है एंड मिल्क प्रोटीन है। सो सर्वश्री शैम्पू एंड आवर ग्रीन एप्पल शैम्पू, दिस टू विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर विंटर। एंड उसके साथ अगर मैं बताऊं, हाँ डेफिनेटली आप एलोवेरा एंड नीम, अगर कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू कर रहा है देन वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे जिंजर शैम्पू और शार्पल शैम्पू, ये दोनों का स्पेसिफिकेशन है। जिनका हेयर बहुत ड्राई है, स्पेशली जिनका कर्ली हेयर है एंड बहुत ड्राई हेयर है, देन आई विल से कि अगर आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम उतना भी ज्यादा नहीं है, देन डोंट यूज जिंजर और शार्कोल इन विंटर। आप विंटर के टाइम में जिंजर और शार्कोल यूज ना करें जिनका ड्राई स्कैल्प है, मतलब इतना रूखा सूखा स्कैल्प जिसका है। आप शार्कोल शैम्पू एंड जिंजर शैम्पू अगर ये विंटर के टाइम स्किप करेंगे तो आपके हेयर के लिए वो अच्छा रहेगा। अगर आपका हेयर या फिर स्कैल्प ऑयली है, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट इन विंटर टू। लेकिन आप ध्यान पे रखिए, हफ्ते में 1 से 2 दिन ही शैम्पू करना है, उससे ज्यादा नहीं। एंड दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए कॉमन है। आई थिंक मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट को क्लियर कर पा रही हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली सर्वश्री शैम्पू, ग्रीन एप्पल शैम्पू रहेंगी। एंड उसके साथ अगर कोई भी एलोनीम इस्तेमाल कर रहे हैं, देन वेरी गुड, नो नीड टू चेंज। लेकिन अगर कोई भी ड्राई स्कैल्प वाले या ड्राई हेयर वाले अगर जिंजर और शार्कोल इस्तेमाल कर रहे हैं एंड आपका उतना भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उतना ज्यादा वर्स्ट नहीं है, देन आई विल से कि आप विंटर के टाइम में थोड़ा आपका शैम्पू को चेंज करिए। यू कैन कंटिन्यू दिस अगेन इन समर अगर ड्राई है। अगर ये स्किप हो गया था। सो अगर आपका स्कैल्प एंड हेयर ऑयली है, ऑन दैट केस अगर डैंड्रफ है, ऑन दैट केस शार्कोल एंड जिंजर विल बी अ वेरी गुड आंसर टू योर क्वेश्चन, क्योंकि शार्कोल शैम्पू और जिंजर शैम्पू डैंड्रफ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो ऑन दैट केस शार्कोल शैम्पू एंड जिंजर शैम्पू कैन बी यूज्ड इन विंटर ऑल्सो। लेकिन जिसका बहुत एक्सेसिव ड्राई स्कैल्प है, आई विल से कि आप ये स्किप करें तो ही अच्छा रहेगा। एंड फॉर एवरीवन यू कैन यूज दिस वंस और ट्वाइस अ वीक। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं लेकिन करते नहीं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस जो सबको पता है,
हम लोग जब बच्चे थे, व्हेन वी आर किड्स, तब से ये सुनते थे कि गिविंग ऑयल टू योर हेयर गिव्स द प्रोटीन टू योर हेयर, एंड ये आपका जो जड़ होता है उसको मजबूत बनाते हैं, रूट्स को स्ट्रोंग बनाते हैं. ये हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत टाइम सुन चुके हैं, एंड अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते. सो दिस इज अ ड्रॉबैक, एंड स्पेशली फॉर विंटर आई कैन से, क्योंकि विंटर के टाइम में आपको नरिशमेंट, आपको मॉइस्चर लेवल, आपका जो नेचुरल ऑयल जो खो रहा है क्लाइमेट की वजह से, उसको प्रोड्यूस करना, उसको देना, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर हेयर केयर. सो ऑयल योर हेयर रेगुलरली. अभी रेगुलरली की मतलब ये नहीं, ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हर रोज ऑयल अप्लाई करते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो महीना महीना बीत जाते हैं, हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करते हैं, भूल जाते हैं. सो फॉर यू ऑल मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये हेयर ऑयल हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं, एंड उसके साथ जो भी नेचुरल ऑयल है, नेचुरल मॉइस्चर है, उसको रिटेन करने में हेल्प करते हैं, एंड ये रूट तक जा सकता है, एंड ये रूट से आपके हेयर को मजबूत बनाते हैं, एंड उसके साथ आपके हेयर को एक नरिशमेंट, एक मॉइस्चर लॉक देते हैं. सो बेसिकली हेयर ऑयलिंग करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन थ्रू आउट द सीजन, स्पेशली इन विंटर. ऑल ओवर सीजन के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये विंटर में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं एयर, एंड हेयर हम लोग का बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाता है, उसके साथ टैंगल्स आ जाते हैं राइट हेयर में, एंड जब भी हम लोग कॉम करते हैं तो बहुत ज्यादा हेयर्स बाहर आ जाते हैं टैंगल्स की वजह से. सो ऑन दैट केस ये हेयर ऑयल आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली फॉर विंटर यूज अ लाइट वेट हेयर ऑयल, क्योंकि बहुत सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत लोगों को, जिनका सर्दियों का मौसम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, एंड अगर आप हेयर ऑयल अप्लाई करके ज्यादा टाइम रह जाते हैं तो ठंड लग जाने का एक आदत होता है किसी किसी का. सो ऑन दैट केस मेक श्योर कि आप लाइट वेट हेयर ऑयल इस्तेमाल करें, नॉट दैट सो हेवी वन, राइट? एंड इससे आपको सिर्फ एक अच्छा हेयर नहीं मिलेंगे, इससे आपको एक रिलैक्स्ड एक मसाज भी मिलेंगे, उसके साथ आपकी स्कैल्प को एक रिलैक्सेशन मिलेंगे, आपके स्कैल्प के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा. एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, ये मॉइस्चर को और ऑयल को रिटेन करने में हेल्प करता है. सो ऑन दैट केस क्या क्या हेयर ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन दिस विंटर? सो डेफिनेटली आमला कोकोनट हेयर ऑयल विल बी दी फर्स्ट ऑप्शन, उसके साथ जो शोरबुशी हेयर ऑयल है दैट विल बी ऑल्सो आ फर्स्ट प्रेफरेंस. ये दो, आमला कोकोनट एंड हेयर ऑयल, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कोई भी हेयर ऑयल, आप ये दो हेयर ऑयल में से कोई भी एक हेयर ऑयल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए आज से, क्योंकि आमला कोकोनट विल बी अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट ये विंटर को और भी अच्छे रखने के लिए. एंड उसके साथ हम लोग का जो नेचुरल हेयर ऑयल है उसमें भी आंवला, कोकोनट, भींगराज, शिकाकाई ये सब डाला हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा ये विंटर को अच्छे रखने के लिए. एंड उसके साथ यहाँ पे रेड ऑनियन हेयर ऑयल है. हाँ, यहाँ पे एक हेयर ऑयल मिसिंग है, मैंने ऐड करना यहाँ पे भूल गई हूँ, जो कि है 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल. अगर आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, ऑन दैट केस 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल कोना जस्ट हेल्प यू ट्रिमेंडसली. अगर आपका कोई भी ज्यादा, मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, ऑन दैट केस 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, एंड वो भी आप विंटर में अप्लाई कर सकते हैं. सो ये तीन हेयर ऑयल एंड उसके साथ और एक दैट इज 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल, ये चार हेयर ऑयल का चॉइस आपके पास है. सो ये चार हेयर ऑयल में से आप कोई भी एक हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप कोई भी हेयर ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी तक, अपने नहीं आजमाए हैं, देन आई विल से कि आप आंवला कोकोनट या फिर नेचुरल हेयर ऑयल कोई भी एक अभी की मौसम के लिए आप ले लीजिए. अगर कोई भी व्यक्ति रेड ऑनियन को कंटिन्यू कर रहा है, देन डेफिनेटली ही और शी कैन कंटिन्यू दिस, बिकॉज वो भी बहुत लाइट वेट ऑयल है, एंड उसके साथ ये हेयर फॉल के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है.
सो आप ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं एंड उसके साथ 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल विच विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर कंट्रोल योर डैंड्रफ। एंड इसके साथ आ जाते हैं लेकिन हेयर ऑयल कब यूज करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना बार यूज करना चाहिए आपको हफ्ते में। जैसे मैंने कहा कि आप हफ्ते में 1 से 2 दिन शैम्पू कीजिए, सो जस्ट शैम्पू करने से पहले रात को आपको ये प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। अगर आपको रात को अप्लाई करने में दिक्कत है कि आपका सर्दी लग जाने का या फिर कोई भी ठंड लग जाने का प्रॉब्लम है, तो ऑन दैट केस आप सुबह में अप्लाई कीजिए हेयर ऑयल एंड आप 4 to 5 आवर्स रख दीजिए एंड उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। सो ये भी हफ्ते में 1 से 2 दिन, मतलब शैम्पू आप अगर हफ्ते में 2 दिन करते हैं तो ऑयल भी आपको 2 दिन इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा वेपन है आई कैन से, कि जिससे आप आपके विंटर को अच्छे बना सकते हैं फॉर योर हेयर। सो ऑन दैट केस ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे आपके विंटर में भी आपके हेयर को अच्छा रखने के लिए। एंड इसके साथ और एक पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग जो स्किप कर देते हैं दैट इज कंडीशनर। कंडीशनर को हम लोग स्किप कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर शैम्पू का बात करें तो नहाने में ही लोग डरते हैं विंटर के टाइम, तो शैम्पू करना एंड दिस ऑल मतलब ये बहुत ही टफ काम है, लेकिन जरूर करना चाहिए हफ्ते में 1 से 2 दिन। एंड जैसे कि मैंने कहा हेयर ऑयल आप शैम्पू करने से पहले अप्लाई करें एंड उसके बाद आपको शैम्पू करना चाहिए। एंड शैम्पू करने के बाद जो ऑलरेडी रिमूव हो गया डार्ट पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग, अगर फिर से आपके हेयर को लॉक करना है, मॉइस्चर को लॉक रखना है, अगर आपके कोई भी नेचुरल हेयर नेचुरल ऑयल को लॉक करना है, सो कंडीशनर इज मैंडेटरी एंड हेयर बहुत ड्राई बन जाता है विंटर के टाइम, सो कंडीशनर आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए एंड फॉर दैट आई हैव टू ऑप्शन। क्या आपका हेयर कंडीशनर जो एवोकाडो के साथ बनाया हुआ है वो भी बहुत लाइट वेट है एंड बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, एंड और एक अगर बेनिफिशियल प्रोडक्ट में बताऊं देन दैट विल बी कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट, जिसमें जोजोबा ऑयल डाला हुआ है, सिल्क प्रोटीन डाला हुआ है, जो कि एक कंप्लीट पैकेज है। सो ये दो ऑप्शन आपके पास है एज अ कंडीशनर। बीच में जो खड़ा है वो हेयर सीरम है, वो अभी मतलब कंडीशनर के साथ वो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप वो कहीं ना कहीं जब बाहर जाते हैं या फिर आफ्टर कंडीशनर जब आपका मतलब कंडीशनर एंड आपका हेयर अच्छे से वॉश हो जाता है उसके बाद आपको यूज करना चाहिए, लेकिन कंडीशनर इज द मस्ट यूज्ड थिंग इन विंटर। आपको जरूर ये दो प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट जरूर चुनना है, चाहे आप हेयर कंडीशनर को चुनिए या फिर आप कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट को चुनिए, ये दो में से किसी एक को प्रोडक्ट को आपको चुनना चाहिए एंड इट विल कीप योर हेयर अवे ऑफ टैंगल्स एंड स्प्लिट एंड्स एंड एवरीथिंग, जो भी जितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है इससे दूर रखने में आपको हेल्प करेंगे ये दो प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप चुन लीजिए। एंड सीरम इज एडिशनल बेनिफिट्स, ऐसे बहुत लोग हैं जो सीरम अप्लाई नहीं करते हैं एंड आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप जरूर अप्लाई करें, आई एम नॉट फोर्सिंग दैट, बट इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हेयर केयर रूटीन। लेकिन अगर आप हेयर सीरम अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं देन ऑल्सो आई विल से कि आप कंडीशनर बिल्कुल भी स्किप मत करें, आप कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करें एंड दोज हू वर नो कि सीरम का इम्पोर्टेंस क्या है वो तो जरूर सीरम इस्तेमाल करते हैं। सीरम आप कंडीशनर के साथ मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कंडीशनर अप्लाई करने के बाद हेयर को फिर से वॉश करके भी अप्लाई कर सकते हैं भीगे बालों में, सो इट्स डिपेंड्स अपन यू। लेकिन ये तीन प्रोडक्ट, एक है शैम्पू, एक है हेयर ऑयल एंड एक है कंडीशनर, दिस थ्री प्रोडक्ट इज द मैंडेटरी प्रोडक्ट फॉर कीपिंग दिस विंटर कूल फॉर योर हेयर। आपके हेयर को अगर सही सलामत रखना है तो तीन चीज आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इसके साथ मैं और एक दो पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी कि से नो टू हीट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। से नो टू हीट मतलब हम लोग ये जैसे कि मैंने कहा कि नहाने से लोग डरते हैं, इतना ज्यादा ठंड होता है सो लोग नहाने से डरते हैं एंड हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं राइट, सो दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एज वी नो। तो फिर भी हम लोग ल्यूकवार्म वाटर से नहा सकते हैं एंड सेम एज फॉर आवर हेयर ऑल्सो, गर्म पानी बिल्कुल भी हेयर में इस्तेमाल मत कीजिए।
बिल्कुल भी नहीं, वो आपके स्कैल्प को और भी ड्राई बना देता है, आपके स्कैल्प को और भी डैमेज कर देते हैं। सो डोंट यूज एनी हॉट वाटर इन योर हेयर, इससे आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि ये आपका मॉइस्चर नेचुरल ऑयल को खत्म कर देते हैं एंड आपके स्कैल्प को बहुत ड्राई बन जाता है। एंड अगर आपके लिए एकदम ही इम्पॉसिबल है टू की शैम्पू करना ठंडा पानी से, देन आई कैन गिव यू अ स्मॉल सजेशन, आप ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। ल्यूकवार्म मतलब सिर्फ ठंडा को कटाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली उबला के फिर वो पानी यूज कीजिए या फिर टोटली आप गर्म करके यूज कीजिए, ऐसा नहीं। सिर्फ जो एकदम जो चिल्ड वाटर है, जस्ट उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाके आप यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ डेफिनेटली ये सब बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, सो इट्स आई डोंट थिंक सो कि ये सब यूज करेंगे। आ शावर कैप इट्स नॉट यूजेबल फॉर एवरीवन, सब ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बट ल्यूकवार्म वाटर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी हॉट वाटर अप्लाई मत कीजिए हेयर में, इससे आपका हेयर का प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ेंगे। एंड इसके साथ और एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि स्प्लिट एंड्स, जिसके वजह में मैंने बहुत सारे बातचीत ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसके लिए जिसके टॉपिक में मैंने ऑलरेडी बहुत बार बातचीत कर चुकी हूँ, सो स्प्लिट एंड्स का कोई प्रॉपर सोल्यूशन, कोई परमानेंट सोल्यूशंस नहीं होते हैं। बट इफ वी कंटिन्यू आवर स्किन हेयर केयर रूटीन, आवर स्कैल्प केयर रूटीन एंड हम लोग का जो भी हेयर के लिए करना चाहिए, अगर वो रूटीन को हम लोग फॉलो करते हैं एंड उसके साथ एवरी आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स हेयर को जरूर कट करना चाहिए। आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स अगर हम लोग ये करते हैं, देन डेफिनेटली स्प्लिट एंड्स गोना स्टॉप, स्प्लिट एंड्स को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रॉपर वेज को मेंटेन करके, सिर्फ हेयर को कट करके नहीं होगा, उसके साथ प्रॉपर हेयर केयर रूटीन एंड उसके साथ प्रॉपर स्कैल्प केयर रूटीन आपको फॉलो करना है। सो फॉर दैट हम लोगों को ये स्प्लिट एंड्स का जो भी प्रॉब्लम है वो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिम हम लोग का हेयर को जरूर करना चाहिए एवरी 2-3 मंथ्स बाद बाद। सो ये हम लोग दिमाग में जरूर रखेंगे, होप सो। एंड उसके साथ जो फाइनल एंड फॉर ऑल सोल्यूशन हेयर रिगार्डिंग, दैट इज आर बायोटिन गमीज एंड मस्ट नीडेड प्रोडक्ट फॉर एवरीवन। आफ्टर 18 ईयर्स, मैं तो ये बताऊंगी कि 18 साल, 18 साल से ज्यादा जिसका उम्र है, सबको ये प्रोडक्ट मस्ट नीडेड प्रोडक्ट इन योर हेल्थ केयर एंड स्किन केयर रूटीन आई कैन से, क्योंकि इससे आपका हेयर झड़ना, बाल झड़ना कम हो जाएंगे, आपके डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी कंट्रोल में रहेंगे, आपके हेयर मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, शाइनिंग रहेंगे एंड उसके साथ आपका नेल हेल्थ एंड आपका स्किन भी अच्छे रहेंगे। सो दिस इज अ प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट जो इंटरनली हेयर को कैसे अच्छे रखे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ये बायोटिन गमीज को हम लोग स्किप नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इन विंटर, इन समर, इन रेनी सीजन, इन एवरी सीजन आई कैन से। सो बायोटिन आपके हेयर ग्रोथ को इंटरनली भी सही रख सकता है। सो आप आपके हेयर को बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी रख सकते हैं थ्रू बायोटिन। एक गमीज आपको पर डे लेना है एंड ये सभी को पता है ये प्रोडक्ट एक बहुत ही ट्रिमेंडस प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है एंड आई एम अ रेगुलर यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड नाउ आई कैन से कि मैं ये प्रोडक्ट का फैन बन गई। जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई नेवर स्किप, मैं एक दिन के लिए भी स्किप नहीं करती हूँ और स्किप करने का वजह भी नहीं है। इतना टेस्टी एक प्रोडक्ट है, चॉकलेट की जैसा, एंड इसको खाने के लिए ना कोई पानी लगता है, ना कोई इंग्रेडिएंट्स लगता है, ना कुछ, एंड जस्ट आफ्टर योर ब्रेकफास्ट टेक अ गमी एंड यू कैन गो थ्रू योर डे। सो बहुत इजी वे से हम लोग इसको ले सकते हैं एंड इंटरनली बॉडी को ग्लो बना सकते हैं एंड उसके साथ स्पेशली दिस इज अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर योर हेयर ग्रोथ एंड हेयर डैमेज प्रिवेंशन। सो बायोटिन गमीज डेफिनेटली आपके रूटीन में रखना चाहिए। अभी आते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन विंटर हेयर प्रॉब्लम्स। ये आप लोगों से ही सवाल आया था, सो आई होप कि ये सवाल का आंसर भी मुझे देना चाहिए, सो आई कीप दैट इन माई स्लाइड्स ओनली। सो पहला सवाल, व्हाई
इज माई हेयर सो बैड इन विंटर? ये कॉमन सवाल है, तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ, फिर भी मैं देना चाहती हूँ कि हम लोग का हेयर बहुत ड्राई बन जाते हैं, इसका मॉइस्चर खो जाता है, एंड जिसके दौरान ये ब्रेकेज हो जाता है, लाइफलेस हो जाते हैं हेयर। एंड इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक हाइड्रेटिंग हेयर केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए एंड खुद के बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखना चाहिए। सो दिस विल ओनली बी द आंसर। एंड जो भी रूटीन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया, आप वो सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। मैंने 5 तरीके की प्रोडक्ट्स दिखाया। सो वन इज शैम्पू, वन इज हेयर ऑयल, वन इज कंडीशनर, वन इज सीरम एंड वन इज बायोटिन, राइट? अगर ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप आजमाना स्टार्ट कर देंगे, देन डेफिनेटली ये विंटर में आपका हेयर का कंडीशन खराब नहीं होंगे। एंड नॉट ओनली फॉर विंटर, कोई भी सीजन में आपका हेयर का कंडीशन खराब नहीं होंगे। एंड उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई हाइड्रेट माई हेयर इन विंटर? सो ऑलरेडी आई गिव दैट आंसर कि आपको जरूर जो भी मैंने कहा कि रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए एंड वो सारे प्रोडक्ट्स को जरूर फॉलो कीजिए एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ये सर्दियों के मौसम में पता है कि उतना पानी पीने का मन नहीं होता है, पानी पीना भूल जाते हैं हम लोग, एंड पानी पीने से ठंडा और भी ज्यादा लगता है, सो हम लोग पानी नहीं ही पीते हैं, राइट? अगर हम लोग गर्मियों के मौसम में 3 साढ़े 3 लीटर पानी पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विंटर के टाइम में 2 ढाई लीटर पीते हैं। बट इट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, आपके हेयर को हाइड्रेटेड रखना है, जैसे आपको प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम एज आपको बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखना है पानी पी के। सो ऑन दैट केस ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। एंड उसके साथ और एक सवाल जो आए थे, व्हाट कॉजेस टैंगल्ड हेयर? ऑलरेडी आई मेंशनड इन माई वेबिनार, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका जो हेयर कटिकल होता है वो डैमेज हो जाता है, लैक ऑफ मॉइस्चर, लैक ऑफ नेचुरल हेयर ऑयल, एंड इसके साथ ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देते हैं एंड वो नॉट्स अपने आप बन जाते हैं, अपने आप एक हेयर के साथ और एक हेयर नॉट बन जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं जब हम लोग कॉम करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पे आते हैं। ऑन दैट केस सीरम गोना हेल्प यू आउट, लेकिन सिर्फ सीरम अप्लाई करने से नहीं होगा, उसके साथ आपको प्रॉपर हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा एंड आपके हेयर को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा एंड उसके साथ आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। सो आई थिंक आई होप कि ये वेबिनार आपको हेल्प करेंगे एंड ये विंटर में जितने सारे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, आई होप कि आज के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हट जाएंगे एंड ये विंटर को भी हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे, ये विंटर में भी हैप्पी हेयर हम लोग को मिल सकता है। सो अगर आज के वेबिनार के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, आज के वेबिनार के रिगार्डिंग, देन आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल आज के वेबिनार रिगार्डिंग, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सवाल है। सो इट सीम्स वेरी वेरी क्लियर कि आज के वेबिनार ने जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है विंटर में, वो सब मैं क्लियर कर पाई हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे एक सवाल है कि ब्लैक कलर के लिए क्या है? आज का वेबिनार उसके रिगार्डिंग नहीं था, उसके लिए भी सोल्यूशन डेफिनेटली है एंड सोल्यूशन ऑलरेडी वेबिनार डाला हुआ है यूट्यूब में, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड उसके साथ सोल्यूशन फॉर हेयर फॉल, या डेफिनेटली सोल्यूशन तो डेफिनेटली है, अगर मैं एक शब्द में बताऊंगी दैट विल बी आवर हेयर ग्रोथ किट, वो भी बहुत अच्छा एक रिजल्ट देंगे आपको। अगर किसी का हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऑन दैट केस न्यू हेयर ग्रोथ किट जो SHPL ने लॉन्च किए हैं, 3 प्रोडक्ट्स को लेके एक पैक राइज मिस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट रहेंगे आपके हेयर रिलेटेड, मतलब हेयर फॉल या न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। सो वो प्रोडक्ट आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डैंड्रफ के लिए कौन सा शैम्पू यूज करें? डेफिनेटली मैंने ये वेबिनार में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आप जिंजर या शार्कोल शैम्पू डैंड्रफ के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मेक श्योर कि आप जिसको दे रहे हैं उनका हेयर का टाइप क्या है। अगर बहुत एक्सेसिव ड्राई है, ऑन दैट केस आप शार्कोल को नहीं दे सकते हैं। अगर हेयर नॉर्मल टू ऑयली है, तो आप शार्कोल या
जिंजर कोई भी दे सकते हैं, एंड डेफिनेटली नॉट एक शैम्पू से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको हेयर ऑयल भी लेना चाहिए एंड आपको उसके साथ कंडीशनर भी यूज करना चाहिए। एंड आई थिंक कि इसके साथ सारा कंफ्यूजन्स ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। प्रेफर टू टेक बायोटिन गमी, अच्छा व्हाट टाइम विल बी प्रेफरेबल टू टेक अ बायोटिन गमी? सो एज आई सेड, मैं अगर मेरा रूटीन बताऊं तो मैं सुबह उठ के जब आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं एक गमीज लेके आ जाती हूँ। सो डेफिनेटली आप लोग भी वही कीजिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट आप एक गमी ले लीजिए एंड पर डे, मतलब एक दिन में एक ही गमीज लेना है, दो नहीं। सो जस्ट वन गमी पर डे कैन कीप यू अवे फ्रॉम मेनी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड आई डोंट थिंक सो कि और कोई सवाल है। यहाँ पे एक सवाल है, बायोटिन गमी हाउ मेनी टाइम्स टू टेक? आई ऑलरेडी सेड कि वंस अ डे आपको एक गमी पर डे लेना चाहिए, आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं। सो नोनी शैम्पू के बारे में आज का वेबिनार नहीं था, बट नोनी शैम्पू आप कौन सा बता रहे हैं? प्लीज यू कैन से, यू कैन स्पेसिफाई कि आप नोनी ब्लैक मैजिक शैम्पू बता रहे हैं या फिर सिर्फ नोनी ब्लैक शैम्पू बता रहे हैं। एंड थैंक यू, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे वेबिनार रिगार्डिंग, सो थैंक यू एवरीवन। और कोई सवाल नहीं है? फॉर स्प्लिट इंड्स, यहाँ पे एक सवाल है कि दो मुहे बालों के लिए क्या देना चाहिए? सो आई गेव दी सोल्यूशन कि आपको प्रॉपर हेयर केयर करना चाहिए, प्रॉपर स्कैल्प केयर करना चाहिए, एंड उसके साथ हर 2-3 महीने बाद बाद आपको हेयर को ट्रिम करना चाहिए। हेयर फॉल के लिए बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा है? दैट विल बी रेड ऑनियन हेयर ऑयल डेफिनेटली। अगर आप सिंगल ऑयल के बारे में पूछेंगे देन डेफिनेटली दैट विल बी रेड ऑनियन हेयर ऑयल। अच्छा, सिर्फ नोनी शैम्पू, ओके, दैट मींस नोनी ब्लैक शैम्पू, नॉट मैजिक शैम्पू, राइट? सो नोनी ब्लैक शैम्पू डेफिनेटली आप वो जिनके टीन एज में हेयर सफेद हो रहा है उनके लिए प्रोडक्ट है, एंड इसके लिए डिटेल में ऑलरेडी वेबिनार किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उससे आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल जाएंगी। एंड आई डोंट थिंक कि आज के वेबिनार रिगार्डिंग कोई भी सवाल आ रहा है, सो मैं ये वेबिनार को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में, सो टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग, एंड फिर से मुलाकात हो रहा है आपके साथ नेक्स्ट वेबिनार में, एंड एसएचपीएल वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। सो बी ऑन दैट वेबिनार एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, क्योंकि ये जनवरी 2024 चल रहा है, एंड होप कि आप ये मंथ को बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करें, ये मंथ को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि ये मंथ का नाम दिया गया है जोश भरा जनवरी, सो इसमें जोश बहुत ज्यादा रहना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड थैंक यू एवरी वन एंड गुड नाइट।